हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में सारे कैंडिडेट्स को जानना जरूरी है, चाहे वो MTS पे हो या CHSL हो या CGL पोस्ट पे हो, कोई भी पोस्ट पे हो। और ये जो है, जो इस रिगार्ड में है दोस्तों, कि आप जो जॉब लेते हैं, कोई भी जॉब लेते हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसके पहले आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए या जॉब लेने के बाद क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं 2 दिन पहले का एक एग्जाम्पल दूंगा जो बहुत ही मतलब कि जो सिलेक्शन लेने के बाद भी डरावनी है, कि आपको समझना चाहिए कैसे सस्पेंड हो सकते हैं या टर्मिनेट हो सकता है आपका सर्विस। 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ, फिर भी दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स का को टर्मिनेट कर दिया गया है जो MTS 2021 के थ्रू सेलेक्ट हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझना जरूरी है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस रिगार्ड में सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अभी स्क्रीन पे एक लगा दूंगा, एक इमेज है, एक PDF आया था हमारे डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, PCDA, प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट जो होता है। तो ये जो दोस्तों ये PDF आया था, ये PCDA जयपुर से आया था, जो कि जयपुर में ऑफिस है PCDA का, डिफेंस अकाउंट का, वहाँ से आया था। तो वहाँ पे दोस्तों ये हुआ है कि 7th कैंडिडेट्स को जो हमारे बैच से MTS 2021 से सिलेक्ट हुए थे, वो इसी महीने ज्वाइन किए थे और इसी महीने के लास्ट तक 25 जुलाई को ही, 2 दिन पहले ही उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको उनका सर्विस को मतलब ख़त्म कर दिया गया है। और ये कारण क्या थी दोस्तों, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी कारण से उनको हटा दिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड तो वो होता है कि बाद में आपको जांच के बाद फिर से लाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इनको टर्मिनेट किया गया है, मतलब कि आप फिर से दोबारा नहीं आ सकते। हो सकता है कि आगे भी आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, MTS हो या CHSL, कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो उसमें। तो दोस्तों, ये हम लोगों को समझने वाली बात है कि जो गवर्नमेंट का एक जॉब होता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। ठीक है, जो भी है हमारा डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें फॉर्जरी है या कोई मतलब कि नकलीपन है, डुप्लीकेट है, तो उसमें जो है दोस्तों बहुत सारे चीज़ों का हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका जो है लाइफ है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए इसके चलते। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, सब समझना चाहिए। आप वहाँ पे पहले धोखा दे सकते हैं किसी को, लेकिन दोस्तों ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंट में धोखा नहीं दे सकते हैं, ये सत्य है, ट्रूथ है। आप लोग समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से कि क्यों उनको टर्मिनेट किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफिस में ये होता है कि 2 साल पे आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, और प्रोबेशन का मतलब होता है कि ऑफिस के जो हेड होते हैं उनको अथॉरिटी होती है कि आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप उनके साथ जो भी है, मतलब अगर ठीक से बर्ताव भी है या ऑफिस में कुछ भी जो रूल्स है उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, या आप जो है पहले से सिलेक्शंस के पहले से कुछ फॉर्जरी किए हैं उसका खमियाजा आपको डिपार्टमेंट में भुगतना पड़ सकता है, या जो जब पकड़े जाएंगे तो उसका जो है रिजल्ट आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है 2 साल प्रोबेशन पीरियड में, हर एक स्टेज पर चेकिंग होता है। जो आप अटेस्टेशन फॉर्म होता है, अटेस्टेशन फॉर्म में आप कितना सही भरे हैं सारी चीज़ों को, जो हमारा जैसे कि किसी किसी पे FIR होता है, तो FIR जो है उसमें आप हुआ है तो बताए हैं कि नहीं, फैक्ट को कंसील नहीं ना किए हैं, मतलब जैसे कि किसी पे FIR हो गया फिर वो क्या जो है वापस भी हो गया, मतलब FIR फिर हट गया है, फिर भी वो बोलता है कि नहीं मेरे पे FIR नहीं हुआ, कंसील कर रहा है फैक्ट को, तो बाद में अगर पता चलता है तो उसको उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जॉब में हुआ है, और यहाँ पे भी मैं अपने स्टाफ से जो भी है सारे से एग्जांपल बहुत सारे सुन चुका हूँ, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें सुनने को मिल रही है कि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद भी आप सेफ नहीं है, बस आपको मतलब कि हर एक चीज़ को जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। और वो जो रूल्स है दोस्तों, मैं सारे चीज़ों को आपको बताऊँगा हर एक स्टेज पर कि क्या आपको नहीं करना है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या अटेस्टेशन फॉर्म हो, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, या पहले जो आप एग्ज़ाम देते हैं या कुछ भी अपने लाइफ के थ्रू अभी गुजर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो है स्पेशली उन जो 7 कैंडिडेट्स को टर्मिनेट किया गया उस पर है, तो देख रहे हैं वो कैसे, देखते हैं कैसे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, ये 7 कैंडिडेट जो PCDA में बता दिया जयपुर के हैं, उन लोगों को सबसे पहले जब MTS 2021 का रिजल्ट आया था तो उनको विदहेल्ड करके रखा गया था, मतलब कि दोस्तों उनको जो है क्लियर या प्रोविजनल कुछ भी नहीं मिला था। उनका कारण था विदहेल्ड का कि दोस्तों कुछ हो सकता है कि उनका फिंगरप्रिंट मैच ना हो, हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट में जो वेरिफिकेशन कर रहे थे उनको फॉर्जरी दिखा हो या और कुछ भी लगा होगा, या जो है मेन जो पर्सन है उसका
इम्पर्सनेशन हुआ हो या वेरिफिकेशन नहीं हो पाया हो, तो उसके लिए एसएससी जो है दोस्तों वो विदहेल्ड रखती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो है विदहेल्ड कैंडिडेट्स को कभी भी ईडोजियर नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि ईडोजियर वो डिपार्टमेंट के एसएससी नहीं भेजता है जबकि वो उसको क्लियर ना कर ले कि हाँ ये जो है ये डॉबियस थे, पहले डाउटफुल थे, अब क्लियर हो गया है, कोई नहीं है, तो ईडोजियर डिपार्टमेंट में भेजा जाए। तो ये 7 कैंडिडेट जो थे, 7 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, नाम आपको देखे होंगे जो मैं लगाया था उसमें, वो 7 कैंडिडेट्स क्या किए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके कुछ मतलब मिली भगत से, जो दलाल होते हैं उनके मिली भगत से, वो डोजियर्स को क्या किए, फॉरवर्ड कर दी करवा दिए डिपार्टमेंट में, किसी डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट में जाकर डोजियर फॉरवर्ड होने के बाद डिपार्टमेंट इन सातों को ज्वाइनिंग भी करा दिया। वो डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं जानता है दोस्तों कि, क्योंकि वो जानता है कि एसएससी ने ही भेजा है, तो वो सातों का ज्वाइनिंग भी हो गया क्योंकि वहाँ पर रिक्वायरमेंट में थी। और सातों की ज्वाइनिंग होने के बाद 20 से 25 दिनों के बाद एसएससी जब वेरीफाई किया कि नहीं इन कैंडिडेट्स का तो ये सातों अभी विदहेल्ड है, कोई क्लियरेंस अभी नहीं मिला है, तो ये ज्वाइन कैसे कर लिए, फिर तुरंत मतलब कि तुरंत इफेक्ट में आकर वो टर्मिनेट कर दिए, एक दिन के बाद ही टर्मिनेट कर दिए, ये 24 को पता चला और 25 को इन सातों को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो यही बात है दोस्तों, कभी भी बहुत सारे 126 कैंडिडेट्स का विदहेल्ड में था, तो विदहेल्ड वाले कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा कदम ना उठाएं जो आपका डाउटफुल है, जो भी मतलब कि ये है, आप लोग क्लियर होने के बाद भी जो सब एसएससी करेगी, कुछ आपको नहीं करना है अभी, ठीक है। आगे हो सकता है मतलब जो भी एग्ज़ाम है उस पर ध्यान दीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन अभी इसमें अपने से कुछ नहीं करना होता है क्योंकि ये बहुत रिस्की है, आपके लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यही था, अभी ड्यूटी का टाइम हो रहा हो तो दोस्तों जा रहा हूँ अभी ड्यूटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, एंड बी कंसेंट्रेट टू यू गोल, इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।